हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी हरिंदर सिंह जी, जो कि ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं गाजियाबाद महानगर के। हरिंदर जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है। हमारा सिर्फ जनता के प्रति ही सवाल है कि जिस तरीके से नगर पालिका भी कह रही है, केंद्र में भी आपकी सरकार, स्टेट में भी आपकी सरकार है, खोड़ा में भी आप ही के पार्टी के चेयरमैन हैं, ठीक है, लगभग मैं बता दूँ आपको 34 में ज़्यादातर सभासद भी आपके हैं, तो खोड़ा की जनता ये कह रही है कि हम टैक्स क्यों दें। विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठा रहा है कि हम टैक्स किस बात का दें, लेकिन हमें मूलभूत सुविधा ही नहीं मिल पा रही। तो पहले तो मैं आपका जो चैनल है हिंदी न्यूज भारत, मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने बहुत अच्छी बात कही। देखो, नगर पालिका बनी है, पहले खोड़ा जो है ग्राम पंचायत थी और यहाँ प्रधान हुआ करता था, तो आपने उस समय विकास का स्तर देखा होगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से हमारे सांसद जी ने इसके लिए बहुत बहुत प्रयास किए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। तो उनके प्रयासों से ये नगर पालिका बनी, ठीक है। और नगर पालिका बनते ही ढेर सारी सुविधाएँ चालू हो गई हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले नाली खरंजे का बहुत बड़ा अभाव था, ठीक है, हर व्यक्ति इससे बहुत परेशान था। आज की डेट में शायद ही कोई गली ऐसी बची हो जो पक्की नहीं हुई हो, ठीक है। पूरी चैन इसमें लगी हुई है, सांसद जी के कोटे से, विधायक जी के कोटे से, नगर पालिका के कोटे से लगभग गलियां बन चुकी हैं। अच्छा, जब कोई नगर पालिका बनती है तो उसमें जितनी सारी सुविधाएं आती हैं उन्हें देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसका एक पार्ट टैक्स भी है। जब कोई सुविधाएं दी जाती हैं तो उसमें एक पार्ट टैक्स भी लेना होता है, ठीक है। तो वही पार्ट है, और जो सभी जगह लगा हुआ है, मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ नगर पालिकाएँ बनती हैं और वहाँ वहाँ जो है ये टैक्स लगता है, तो यहाँ भी लगेगा। सर, खोड़ा की जनता के साथ साथ विपक्ष भी आप पे यही सवाल उठा रहा है। जो खोड़ा में सक्रिय विपक्ष है इस समय, दूसरी पार्टी के जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि खोड़ा में पानी कब आएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, विपक्ष को तो शर्म आनी चाहिए। विपक्ष ने इतने लंबे समय तक खोड़ा को सिर्फ वादे दे दे के इतने बार लूटा जिसका कोई जवाब नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने विकास किया है। जो अपने वादे किए थे उनको उन्होंने निभाने का भरपूर प्रयास किया है, और आगे भी विकास की गंगा निरंतर बहती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रात दिन चिंता रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप जो अभी कह रहे थे, आपने जो पानी का सवाल पूछा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी मिला हूँ इस उसको लेके, और मैं उप मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूँ, लेटर भी दिया है मैंने, और भी कई सारे लोग मेरे साथ यहाँ से रहे हैं। महाराजा सूरजमल जाट समाज संस्थान जी के जो अध्यक्ष हैं राजू चौधरी जी, वो थे, उनके महामंत्री जी थे, सारे लोग मेरे साथ रहे वहाँ, और हमने खोड़ा के इसको मतलब जो है वहाँ रखा है, हाँ, मुद्दे को उठाया है। और आशा है, हमारे सांसद जी इस पर लगे हुए हैं पूरी तरह से, तो उम्मीद है कि जल्द ही खोड़ा में पानी आ जाएगा। आपको पता है एक बड़ा बजट इस पर लगने वाला है जी, और एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसे बनाने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ये तय है कि खोड़ा की जनता बहुत जल्द ही इसका लाभ उठाएगी। मैं मानूं 2022 के चुनाव से पहले खोड़ा में पानी आ जाएगा, संभव है, ऐसा कह सकते हैं। इस पर मैं पक्का 100% नहीं कह सकता, लेकिन आशा करते हैं कि उससे पहले खोड़ा की जनता इसका लाभ उठा रही होगी पूरी तरह से। मतलब जो है हमारे सांसद महोदय, विधायक जी और सभी लगे हुए हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी इसके लिए चिंतित रहते हैं, क्योंकि खोड़ा प्योरिटी पे है। खोड़ा ने एक लंबे समय संघर्ष किया है, एक ऐसा समय व्यतीत किया है खोड़ा के नागरिकों ने एक सजा के रूप में, नाली खरंजे, लाइट खंबे, ढेर सारी सुविधाएं जो मतलब जिनसे वंचित रहा खोड़ा। घर कितने बार लोगों ने बनाए, आपने भी देखा होगा, आज भी लोगों के घर मतलब जो है लेंटर
के उस पर रोड आ रहा है, कई सारे मकान आपको देखने को मिल जाएंगे, मिट्टी डालते रहे लोग बेचारे, तो उस सब से निजात अब खुड़ा को मिली है। और मैं धन्यवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी को जिसमें मैं कार्य कर रहा हूं, और मुझे भी गर्व है इस बात का कि ऐसी पार्टी में मैं कार्य करता हूं जो जिसमें वादे किए जाते हैं निभाने के लिए, सिर्फ जनता को लूटने के लिए नहीं, निभाने के लिए। हमारे जो अभी खोड़ा मकनपुर मंडल के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चुने गए हैं बड़े भाई श्री राकेश गुप्ता जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, और उनसे आशा करता हूँ कि वो सभी को एक माला में पिरो के ना कोई जातिवाद होगा ना कोई और वाद होगा, सिर्फ होगा तो मतलब जो है विकास की बात होगी, हाँ विकास की विकासवाद होगा, और सभी को एक सूत्र में पिरो के। और मुझे आशा भी है उनसे, पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में, बेशक आज उनकी एंट्री हुई है लेकिन उन्होंने संगठन को पहले भी कैसे चलाया जाता है वो जानते हैं, इसको पहले लंबे समय से वे स्वयंसेवक हैं और भिन्न भिन्न जो है दायित्वों पर रहे हैं, तो मैं उनसे ऐसी आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खोड़ा मकनपुर मंडल उनके कार्यकाल में नए आयाम लिखेगा।